अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर और आप देख रहे हैं जमीर 91 चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आपके पास जैज का नंबर है और आपने अपने नंबर पर पैकेज एक्टिवेट किया हुआ है और आप किसी दूसरे जैज के नंबर पर मिनट शेयर करना चाहते हैं तो किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, दोस्तों आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। दोस्तों कि आप अपने जैज के नंबर पर आया हुआ लगाया हुआ पैकेज आए हुए मिनट किसी जैज के दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बआसानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। आप इनसे गुजारिश है, छोटी सी वीडियो है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि आज की जो वीडियो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों जैसे कि आपने अपने जैज के नंबर पर मंथली पैकेज एक्टिवेट किया हुआ या कोई भी पैकेज आपने अपने नंबर पर एक्टिवेट किया हुआ है और आप उनके जो मिनट उस पैकेज में आए हुए हैं वो किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करने चाहते हैं किसी जाने वाले के नंबर पर, जैसे बाजूकात बोल देते हैं कि हमारे नंबर पर बैलेंस करवा दें, या तो बैलेंस के बजाय आप वो मिनट भी उनके नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि आज पूरी डिटेल के साथ मैं आपको अपने ही पैकेज अपने मोबाइल से जो मैंने मिनट्स वगैरह लिए वो सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र करके भी दिखाता हूँ ताकि आप भी सेम इसी तरीके से मिनट्स दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकें। तो दोस्तों जल्दी से पहले मैं मोबाइल की डायल पैड पर जाता हूँ तो आपको पूरी तरीकाकार बताता हूँ। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी आपने, आज बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये देखें, मैंने मोबाइल का जो डायल पैड है वो ओपन कर दिया। सबसे पहले इसमें मैं अपने मिनट्स चेक करता हूँ कि मेरे नंबर पर जो मिनट्स हैं वो कितने मिनट्स मुझे दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने इससे पहले एक दफ़ा मैं 30 मिनट ट्रांसफ़र कर भी चुका हूँ, पहले मैं आपको वो मिनट्स दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रांसफ़र किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कोड डायल करता हूँ मिनट चेक करने वाला, ताकि आपको मैं मिनट्स अपने दिखा देता हूँ। ये आप कोड देखें दोस्तों, ये मिनट्स चेक करने का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे 2 नंबर सिम के अंदर कितने मिनट्स पड़े हैं, 30 मिनट, क्योंकि ये मैंने ट्रांसफ़र किया। और आप टाइम भी देख सकते हैं और आज की तारीख भी देख सकते हैं, आज 17 तारीख है, तो ये 30 मिनट आए हुए हैं। तो अभी मैंने 1000 मिनट लिए थे, अब मैं आपको वो मिनट्स दिखाता हूँ जो 1000 मिनट लिए थे, इसमें से कितने मिनट्स जो हैं वो कट हुए हैं। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे मिनट्स मिले थे वो मिनट्स मिले थे मुझे 1000, सॉरी ये मैं वही 2 सिम का जो मिनट्स हैं वो चेक कर रहा हूँ। मैं 1 सिम पर मैंने वो पैकेज एक्टिवेट किया था, तो अभी 1 सिम पर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 मिनट ही कम होंगे क्योंकि मैंने उस नंबर पर पहले ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। तो यहाँ आप देखें दोस्तों कि कितने मिनट्स जो हैं वो कम हुए उस नंबर पर ट्रांसफ़र करने के बावजूद। ये मिनट्स देखें 970 मिनट्स हैं, यानी कि 30 मिनट में उस नंबर पर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देखेंगे 970 मिनट हैं। अभी मैं उस नंबर पर वहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं ये नंबर मिनट्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कोड डायल करना होगा *308# दोस्तों ये कोड है मिनट्स आपका शेयर करने का। यहाँ पर ये मैंने अपने सिम वन पर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे कह रहा है कि जैज वारिस मिनट्स शेयर करने के लिए आपका मतलूबा नंबर यहाँ पर डायल करें जिस नंबर पर यानी कि मैंने मिनट्स सेंड करने हैं। तो दोस्तों ये नंबर एक मेरा जो है ये कम यूज़ होता है, तो इस नंबर ये मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पर मैंने अपना नंबर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये 2 रुपये होना मेरे नंबर पर ज़रूरी है क्योंकि जब मिनट्स मैं शेयर करूँगा तो दोस्तों 2 रुपये जो हैं वो कटेंगे, इसलिए यहाँ पर ये मैंने मिनट्स लिख दिए। अब इसको मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 मिनट मेरे नंबर पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं जबकि पहले थे 30 मिनट टोटल। तो अब मैं आपको वापस वो कोड डायल करके चेक करा देता हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको मिनट्स इसीलिए दिखाए क्योंकि पहले मैंने खुद देखा है लेकर कि मिनट्स आते भी हैं या नहीं आते, फिर बाद में काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि गलत बयानी कर रहे हो। तो भाई प्रूफ के साथ मेरा दिखाने का ये मतलब है कि आपको पता चल सके कि हाँ भाई बिल्कुल मिनट आ रहे हैं और आप भी सेम इसी तरीके से दोस्तों मिनट अपने नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी जाने वाले के नंबर पर। जितने भी मिनट आपने करें दोस्तों, एक बार में जो मिनट्स आप ट्रांसफर करेंगे वो 30 मिनट करेंगे, बाकी जितनी बार आप करना चाहें 30-30 मिनट करके आप करते जा सकते हैं। दोस्तों अब सिम नंबर 2 पर मैंने पहले आपको दिखाया था 30 मिनट थे, अब मैंने सेम वो कोड डायल करके आपको चेक करा रहा हूँ कि इसमें अभी मिनट्स देखें आप दोस्तों के सिम 2 पर कितने मिनट्स हैं। पहले थे 30 मिनट, तो अब मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इसका कोड चेक करने का तरीका कार *308*2#। तो दोस्तों सिम 2 पे अभी मिनट्स देखते हैं कि हमारे कितने हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें आप दोस्तों 60 मिनट हो चुके हैं जबकि पहले मैंने आपको टाइम भी दिखाया था, तारीख भी दिखाई थी और मिनट्स भी दिखाए थे। तो पहले थे दोस्तों 30 मिनट, अब मैंने पहले भी 30 मिनट किए थे और 30 मिनट अब शेयर किए, तो टोटल 60 मिनट्स हो गए। इसी तरीके से करके आप भी जितने मिनट्स शेयर करना चाहें, लेकिन एक दिन यानी कि 30-30 मिनट करके अगर आप दोबारा भी मैं मिनट्स शेयर करना चाहता हूँ तो मेरे पास सेम यही ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आपने कितने यानी कि जो नंबर आपने लिखना है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा खुद बहुत दोस्तों मिनट्स जो है शेयर हो जाएंगे, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा मिनट्स शेयर नहीं होते। 30-30 करके जितनी बार मर्जी मैं शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके।